हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिज्जा सबका फेवरेट होता है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होल व्हीट वेज पिज्जा। चलिए रेसिपी देखते हैं। पिज्जा बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी एक बाउल में 3 कप गेहूं का आटा। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक 1 टीस्पून। दूसरे बाउल में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून शुगर। एंड 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट। उसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप गुनगुना पानी। एंड तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं एंड यीस्ट हमारा एक्टिव हो गया है, काफी अच्छे से इसमें जाग आए हैं। अब मैं आटे और नमक को अच्छे से मिक्स करूंगी, देन यीस्ट का मिक्सचर उसमें ऐड करूंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी एंड इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करूंगी। डो की कंसिस्टेंसी चपाती डो की तरह होनी चाहिए। अब मैं इस पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस करूंगी। डो हमारा रेडी है। अब हम इसे किचन प्लेटफॉर्म पे या फ्लैट बोर्ड पे लेके 10 से 12 मिनट के लिए स्ट्रेच करेंगे। यहाँ हमें स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड अपनाना है। स्ट्रेच करने पर डो स्टिक ना हो, इसके लिए हम बीच बीच में ऑयल डालते जाएंगे एंड से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेचिंग मेथड से डो में ग्लूटेन फॉर्म होगा, जो हमारे पिज्जा बेस के टेक्सचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रेचिंग मेथड को स्किप ना करें। कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए हमें डो को स्ट्रेच करना है। 12 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बाउल को ग्रीस करूंगी एंड उसमें ये डो रख दूंगी। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे भी ग्रीस करेंगे एंड इसे किसी गर्म जगह पे कम से कम 45 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 45 मिनट्स हो चुके हैं एंड हमारा डो साइज में डबल हो गया है। अब इसे पंच करके हम इसकी एयर निकालेंगे। ये स्टेप भी इम्पॉर्टेंट है, इसे स्किप ना करें। अब फिर से हम डो को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे। ये देखिए डो बिल्कुल रेडी है बेस बनाने के लिए। चलिए बेस बनाते हैं। बेस बनाने के लिए मैं एक बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करूंगी एंड डो का एक बड़े साइज का बॉल लेके रोल करूंगी। इसे आप अपनी चॉइस की साइज में बना सकते हैं। बेस बनाने के साथ ही हम हमारे अवन को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। इसकी थिकनेस हमें लगभग 1 सेंटीमीटर जितनी रखनी है। इसको बेक करने के लिए मैंने यहाँ एक नॉन स्टिक टिन लिया है, जिसे मैंने ग्रीस एंड डस्ट कर लिया है। उस पे मैंने पिज्जा बेस को डाल दिया है एंड उसे साइड से 1 इंच की दूरी पे इस तरह थंब से प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से पिज्जा की साइड्स थोड़ी उभरी हुई रहेंगी।
ये देखिए हमारा बेस रेडी है टॉपिंग्स के लिए। टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, सीजनिंग ली है एंड पिज्ज़ा सॉस लिया है। सबसे पहले हम बेस के सेंटर पार्ट को एक फोक की हेल्प से प्रिक कर देंगे ताकि ये बीच में से फूले ना। अब मैं इस पे लगाऊंगी पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा की टॉपिंग एंड ड्रेसिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब मैं इस पे लगाऊंगी वेजिटेबल्स। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ कैप्सिकम, अनियंस, टोमेटोस एंड ऑलिव्स। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस का भी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी के मेजरमेंट से 3 से 4 बड़े साइज के पिज्जा बन जाएंगे। अगर आप मिनी पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो 7 से 8 मिनी पिज़्ज़ा इस मेजरमेंट से बना सकते हैं। सीजनिंग के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो एंड रेड चिली फ्लेक्स। अब मैं इस पे डालूंगी ग्रेटेड चीज। यहाँ मैं प्रोसेस चीज यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं या प्रोसेस्ड एंड मोजरेला दोनों यूज कर सकते हैं। अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो चुके हैं, पिज्जा हमारा बेक होके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए गर्मा गर्म पिज्जा। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म यमी पिज्ज़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली सभी रेसिपीज के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।